सो डियर टीचर, आइए स्टार्ट करें। आई विल बिगिन विद सेट ए, 10th स्टैंडर्ड सेट ए। बेटा सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, सेट ए की पहले मैं सारी ऑप्शंस मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम भी था, वो वहां पे आपको अकॉर्डिंगली क्रेडिट दिया होगा। We were having fourth question, 6, 7, 9, 13, then 15, 17, 18, and then it was 19, 22, 24. बेटे कर ले के रहने दे, पेपर डिस्कस करना है कि मैं आगे चलूं छोड़ दूं इसको? आपको क्वेश्चंस ही हैं ये, पहले ऑप्शंस लिख देता हूं फिर डिस्कस कर लेते हैं ना। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया हो सबका अच्छा है तो फिर जरूरत नहीं करना है। 24 के बाद 27 है बेटा, देन 29 है, देन इट इज 32, 46 बेटा, 47, 48, 49 एंड 50। ऑप्शंस की अगर बात करें तो दिस इज ए ऑप्शन, ए सी 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 A, A, C, B और C, दोनों में से कोई भी करेक्ट आपने किया है तो इट विल वर्क। अच्छा एक बात और बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम वाली बात थी, तो यहाँ पे आपने कोई भी किया है तो आपको क्रेडिट दे दिया गया, ठीक है जी। एक मिनट मुझे बोलने दो। देन ए ए ए और सी में से अगर आपने कोई भी मार्क किया है तो यू हैव बीन गिवन क्रेडिट फॉर दैट। 32nd में दिस इज बी, तो बेटा आइए मैं फ्यू मिनट्स लगाकर एक बार इसको पहले डिस्कस कर लूं, देन वी विल बेटे कम टू द अदर सेट। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर फोकस करें बेटे, प्लीज नाउ कंसंट्रेट ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, इट स्टेट्स दैट द मेडिकल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, दे आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विद द वर्नियर कैलिपर्स। दे फाइंड इट very difficult to read the small divisions on the scale. They are advised to use which lens? Convex, concave, plano convex or plano concave? इसमें अगर हम बात करें convex lens की बेटा, तो इसके बिना कोई भी और lens आपको magnified image उतना ज्यादा नहीं बता पाएगा, और आपका इसीलिए ये कन्वेक्स वाला आपका फर्स्ट या ए ऑप्शन ही बनता है, मस्ट बी द कन्वेक्स लेंस, राइट जी। 47 का एक मिनट कर लेते हैं बेटे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी सी एफ बिटवीन सी एंड एफ, बट इट शुड बी बिटवीन द पोल एंड द फोकस सिटा।
इसका क्रेडिट आपको दिया गया है, आपको सबको दिया गया है अकॉर्डिंगली बेटा, राइट बेटे? आई होप कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बी 13 सेंटीमीटर आया होगा। आपने जब सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को तो आपका बी 13 सेंटीमीटर आ रहा होगा। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे फोकस है, ये आपको 26 सेंटीमीटर दे रखा है। इमेज 13 सेंटीमीटर पे बनने का मतलब है पोल और फोकस के मिडल में, तो बिकॉज ये ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं था तो आपको अकॉर्डिंगली इसका मार्क दिया गया है, राइट जी? पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ यू कंसेंट्रेट प्लीज। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टिंक्ट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग कन्वेक्स मिरर। बिल्कुल ठीक, बिकॉज इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है और ये काफी ज्यादा जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्मॉल डिमिनिश करके आपको दिखा देता है। ये आपका प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी कर रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन, ए 10 mm लॉन्ग ऑल पिन, इसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा, आप जरा नोट करना है तो जरूर कर लीजिएगा बेटा। लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दिस बेटा। पॉइंट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, सारे स्टूडेंट्स देखिएगा। ए 10 mm लॉन्ग ऑल पिन, 10 mm लॉन्ग का मतलब है H1 आपको 10 mm दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का साइज। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर, कंकेव मिरर आपको दे दिया, इसके सामने इसको प्लेस किया गया है। ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म, इमेज का साइज 5 mm है आपको दिया हुआ एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट मींस वी कितना हो गया इन फ्रंट ऑफ द मिरर -30। अच्छा एक चीज और देखिएगा, कंकेव मिरर में इमेज जब फ्रंट पे बनता है तो वो इन्वर्टेड होता है, तो आई शुड एड नेगेटिव साइन ओवर हियर आल्सो। जब ये आपका अदर साइड पे बनेगा कंकेव मिरर के केस में तब तो वर्चुअल बनेगा ना, राइट बेटे? और बनेगा भी बड़ा, अब क्योंकि ये छोटा बन रहा है तो वी हैव टू एड दिस नेगेटिव साइन टू दिस बेटा, और अगर ये नेगेटिव साइन है तो वी विल मैनेज इट इन दिस मैनर ओनली। आपको आगे क्या कहा गया है, द इमेज विल फॉर्म एट, नहीं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड, एफ आपको निकालने को कहा गया है। तो बेटे जरा ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं मैग्निफिकेशन जो है H2/H1 होता है ना, और मैग्निफिकेशन आपका मिरर में किसके बराबर होता है, -V/U। तो ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर ले, तो वी विल हैव H2/H1 -V/U, आपको U चाहिए है फोकल लेंथ से पहले, इट विल बी -V एंड H1/H2 कर दें, इट विल बी -V, ये 30 हो गया, -10/5, चेक करिएगा, यही दिस इज माइनस, कट जाएंगे दोनों, ये बेटे ये भी एमएम में है, ये भी एमएम में है, दोनों मिलीमीटर में ही है बेटे। मैं ये कह रहा हूं
कि जब आप इनको यहाँ पे एमएम और यहाँ पे एमएम करोगे तो कट जाएंगे ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इंटू 10^-3 करोगे वो कट जाएगा अपने आप, वो भी कट जाएगा साथ ही, रेशो है ना, रेशो में यूनिट्स आपके कट जाएंगे। दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन दोस। सो यू आपने निकाल लिया, एक बार क्रॉस चेक करिए, आपका H2/H1 -3/U के बराबर है। यू आपका -3H1/H2 -3 30 हो गया, H1 10, H2 आपका -5 है, -2 आ गया, -60 सेंटीमीटर में आ गया ये, राइट। अब आप फोकल लेंथ के लिए 1/F आपका 1/V+1/U कर लीजिए। आइए देखें, ये आ गया, और इसको मैं उल्टा कर दूंगा, U into V। तो U आपका कितना था बेटा, -60, बी कितना था -30, -60, -30, ठीक होगी बात जी। और अब आपका सेट नहीं है ये, इसीलिए आपका ध्यान भी नहीं है ना। चलिए बेटे फिर भी देख लो, ये -(-) इट विल बी प्लस, अरे -(-) ही होता है। तो ये आपका ये आ गया, और ये आ गया, तो -, राइट जी। एनी डाउट, कोई शक किसी को भी हो इधर, आपका सेट है कि नहीं ये, इसी के लिए सेट ही नहीं। चलिए चले आगे बच्चों, ओके कोई बात नहीं बेटे, बी भी करवा देता हूँ, आप चिंता मत करो, सारी करवा देनी आज मैंने। देन बेटा जिनका सेट नहीं भी है वो भी जरा देख लीजिए, क्वेश्चंस नोट करने वाले ही हैं, थोड़ा समझने वाले ही हैं। 9th आपका हो गया जी, देन क्वेश्चन नंबर 13, ये फिर भी बोल देता हूँ ना, 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड, फुल, हाफ, 1/4, इट विल बी फुल। लिसन, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बेटा। देन 15, 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको चार डायग्राम दिए गए हैं, मैं करेक्ट वाला बना देता हूं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। आपको ये एक कंकेव लेंस दिया हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ये रे ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ये आपका करेक्ट बन जाता है, ये सी लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है जी। चले आगे, 17 बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इन द फिगर ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मीडियम ए टू द मीडियम बी, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जरा समझिएगा साथ साथ, ए से आपका ये बाउंड्री है, ये रे आपका एक आ रहा है इस तरीके से, इधर चला गया ये रे, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का आपको दिया हुआ है,
स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ए इज बी, ये ए मीडियम है ये बी है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट बी के बराबर है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम बी इज रिक्वायर्ड। स्पीड ऑफ लाइट के लिए एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड बेटा? स्नेल्स लॉ, बिल्कुल बिल्कुल, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई और म्यू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू भी कह सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे बी वन मीडियम में तो वी है, बी टू आपको निकालना है, साइन 60 साइन 30 वैल्यूज याद हैं? एक मिनट रुकिएगा, फिर बी टू बन गया यस यस यस, ये 30 ये 60, बिल्कुल ठीक बेटा, हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और डियर चिल्ड्रन, जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये आपका ए ऑप्शन बन जाना था। तो यहाँ पे लिसन, सिर्फ यही पॉइंट आपको देखने वाला था, बिकॉज एंगल्स उल्टे दिए हुए थे, तो कई बार जल्दी में मिस्टेक होती है, तो वी आर टू बी अवेयर ऑफ दैट। प्रॉब्लम नंबर 18, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेटा, लेट अस फोकस अपॉन दैट। 18, एटीन में बेटे आपको दिया गया है टू लेंसेज ऑफ पावर 6 डायोप्टर। पहले लेंस का पावर 6 डायोप्टर है एंड सेकंड लेंस का पावर -4 डायोप्टर है। These are placed in contact with each other. Power of the combination आपको निकालना है। Powers are always added. बहुत बढ़िया। P1 plus P2, 6 minus 4 must be 2 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन बनता है ये? A बन जाएगा। 19. Arrange the optical media इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। एयर, ग्लास, वॉटर, एयर वॉटर ग्लास, वॉटर एयर ग्लास, ग्लास वॉटर एयर, सबसे कम एयर, उससे ज्यादा वॉटर, तो ए आ जाएगा। एयर सबसे कम डेंस, इससे ज्यादा पानी और इससे भी ज्यादा ग्लास, तो ये कौन सा ऑप्शन बनता है आपका? सी, वेरी राइट। 22nd क्वेश्चन देखिएगा। ए रे ऑफ लाइट 22nd ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए लेंस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जरा देखने वाला ये क्वेश्चन, आपका ये लेंस दिया गया है, और दिस इज 30 डिग्री। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए लेंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस द रे वुड ट्रेवल, इट गोज अनडिविएटेड आना चाहिए था, फिर भी अगर किसी बच्चे ने एट 30 डिग्री टू OB लिखा है, उसको भी नंबर दे दिया गया। आपका ये रे अगर अनडिविएटेड जाएगा ना, तो एंगल तो ये भी 30 का ही बनेगा ना, अगर किसी ने ऐसे भी लिखा है उसको भी नंबर दिया, मतलब सी ऑप्शन भी अगर किसी ने मार्क किया है, नंबर उसको भी दे दिया गया है, क्योंकि सेंस से ही बनता है, राइट? देन 24,
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल इज ऑलवेज लेस देन वन, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू वाइड होता है, ज्यादा एरिया कवर कर लेता है, छोटा इमेज लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी व्हीकल के रियर व्यू मिरर को देखते हो, उस पर आजकल लिखा ही आता है कि इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर्स आर स्मॉलर देन दे एक्चुअली, कुछ ऐसी लाइन लिखी देखी है ना आपने, ये वही है। देन इसके बाद 27, ए वॉल एज ए मिरर फिटेड ऑन इट, रितिका स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल सीज हर इरेक्ट इन इट, when she starts moving towards the wall she finds that the size of her image goes on increasing, the mirror must be concave, convex, plane, cannot say। बोलिए, it should be concave, convex में तो कभी image बड़ा होता ही नहीं है। कंकेव मिरर में जैसे जैसे आप अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करते हो, इमेज का साइज बड़ा होता जाता है, तो इट मस्ट बी कंकेव, राइट। 29, एनी पॉइंट? यस, बोलो पुत्र। ऑल वेल, हाँ जी हाँ जी, चले आगे। 29 बेटे है, टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ हैव बीन केप्ट इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। नहीं, ग्रेस नहीं किसी में भी होता बेटा, इसकी दो ऑप्शन ठीक है बेटे, इसमें ग्रेस वाली कोई बात नहीं है, दोनों ठीक है, तो उनको जरूर से कंसिडर किया होगा बेटे। आई डोंट इग्नोर सेट बी, मैंने नहीं देखा अभी तक, मैंने पढ़ा नहीं है, जब आप मुझे दोगे मैं पढ़ूंगा, फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। 29, ये हमने बहुत बार बात की थी लेंसेज इन कॉन्टेक्ट की, दो थिन लेंसेज बेटा सेम फोकल लेंथ की आपने कॉन्टेक्ट में प्लेस किए हैं, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन 29th क्वेश्चन में आपका डबल या जीरो दोनों ही हो सकता है। मैं सुनिए मेरी बात, बिकॉज एग्जामिनर ने आपको लेंसेज की टाइप के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अगर स्टूडेंट के माइंड में ये बात आती है कि एक कंकेव है एक कन्वेक्स है, तो बच्चा जीरो लिखेगा। अगर स्टूडेंट के माइंड में बात आती है कि दोनों ही कंकेव हैं या दोनों ही कन्वेक्स हैं, तो डबल हो जाएगी, राइट बेटे। तो किसी को भी डिसक्रेडिट नहीं किया गया है, दोनों केसेस में आपको मार्क्स दे दिए गए, राइट जी। देन डियर चिल्ड्रन, प्रॉब्लम नंबर 32, असर्शन, if you focus the image of a distant object whose shape is given below on a screen using the convex lens, the shape of the image of this object on the screen will be this much, given hai aapko, aur reason hai convex lens forms virtual image when an object b is kept closer, convex lens forms, ले आइए ले आइए, इसमें आपका बोथ असर्शन एंड रीजन दीज आर ट्रू, बट रीजन डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन द असर्शन बेटा, तो ये बी ऑप्शन आपका यहां पे बन जाना चाहिए था। 36 पे डायरेक्टली पहुंच जाइए, लोकेशन ऑफ
केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है ये बेटा। द लेंसेज फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिफरेंट लोकेशंस व्हेन इट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस व्हेन इट गोज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट पासिस। ऑप्शंस आपने नोट कर लिए हैं 40। एक मिनट बताओ